नमस्कार मित्रों, मैं दुषेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज भारत। तो आरजी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रामपुर बाग सिविल डिफेंस के पोस्ट वार्डन डॉक्टर चारू मेहरोत्रा के नेतृत्व में चौकी चौराहा पर अपनी पूरी टीम के साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पर्चे बांटे गए, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी लोगों को दी गई। इस कार्यक्रम में सिविल लाइंस प्रभा के डिविजनल वार्डन दिनेश यादव तथा एसओ प्रवीण सक्सेना उपस्थित रहे। पोस्ट वार्डन डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने कहा कि कार्यक्रम लोगों के लिए 20 सड़क सुरक्षा के नियमों को जानकारी देना है। जान है तो जहां है, यातायात नियमों में थोड़ी सी भी लापरवाही जान जोखिम में डाल देती है, कभी कभी बहुत हानि होती है और पूरा परिवार से प्रभावित होता है। लोगों को हेलमेट आवश्यक रूप से पहनना चाहिए। बस चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए। दिनेश यादव जी ने लोगों को सुरक्षा के नियमों के बारे में सचेत किया व दुर्घटना से बचने के उपाय बताए। एएसओ प्रवीण सक्सेना ने लोगों को यातायात नियम के लापरवाही बरतने पर होने वाली हानियों के बारे में लोगों को सचेत किया। सेक्टर वार्डन जहीर अहमद ने कहा, युवाओं को अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। चौराहों पर यातायात के नियमों की अनदेखी करना नुकसानदायक होता है। इस अवसर पर मोहम्मद सलीम, वरुण जुनेजा एडमिन और प्रेम हरपाल सिंह जी तथा मोहम्मद उस्मान इनियास स्टाफ ऑफिसर उपस्थित रहे। मैं दिनेश यादव, डिविजनल वार्डन सिविल लाइन प्रभाग से हूँ, सिविल डिफेंस से। और हमारे ये जो प्रत्येक पोस्ट वार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं सड़क सुरक्षा माह के तहत, हमारे उप नियंत्रक महोदय डीसी मिश्रा जी के आदेशानुसार हम अपनी पूरे डिवीजन भर में कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं। हमारी 10 पोस्ट हैं, जिसमें प्रत्येक पोस्ट पर प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, प्रत्येक चौराहे पर स्थानीय निर्धारित किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपको? डॉक्टर चारू मेहरोत्रा। क्या कार्यक्रम है आज? आज ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा 100 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, उसी के तहत सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को पैम्फलेट्स बांटकर सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हों। लोग अधिकांश लोग जो हैं वो अपने जीवन के प्रति लापरवाही बरतते हैं, बिना हेलमेट के वो यात्राएँ करते हैं या मोटरसाइकिलें चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएँ होती हैं। तो मैक्सिमम दुर्घटनाएँ जो हैं वो इसी लापरवाही और तेज़ी की वजह से होती हैं, क्योंकि हमारे युवाओं को जल्दी बहुत है, वो अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाना नहीं चाहते, चाहे ज़िंदगी में ब्रेक लग जाए। और इसी तहत इस जागरूकता अभियान के साथ हम पूरी अपनी टीम के साथ आज यहाँ पर चौकी चौराहे पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या नाम लिया आपने? मेरा नाम जहीर अहमद है, सिविल डिफेंस में हूँ। क्या नाम कार्यक्रम? देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अनुरोध है, विशेष अनुरोध है, और उसमें सिविल डिफेंस हमारे जैसे चारू मेहरोत्रा हैं, यादव जी हैं, हम सब वार्डों को जोड़कर हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटना कम हो, युवाओं को समझाएं। लोग गाड़ी तेज चला रहे हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं कितना तेल हम लोग का खर्च होता है, अगर लाल बत्ती है तो रुक जाइए और गाड़ी को ऑफ कर लीजिए, ताकि कितने लोगों का गाड़ी का तेल बचेगा। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर, सिविल डिफेंस के लोग हैं, कि अच्छा लोगों को समझाएँ, बताएँ और सड़क दुर्घटना से बचें।